हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम बात करेंगे इस बारे में कि अभी जो लॉयंस गेट गया है, 88 का जो पोर्टल है, उसके बाद काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है। इनफैक्ट मुझे भी हो रही है, क्योंकि एसेंशन सबका हो रहा है। मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगी ट्विन फ्लेम के बारे में। इस टाइम काफ़ी लोगों को ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे डाउट हो रहा है। बहुत लोगों को मैसेजेस आते हैं मेरे पास, 3-4 लोगों के मैसेज आए हैं कि मैम हमें डाउट हो रहा है इस कनेक्शन पे। और आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि अभी से आप लोग अपने लिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो DF हैं वो अपनी क्लियरिंग तो कर रही हैं, तो अब DM का काम है। रोल स्विच भी हो सकते हैं, कुछ इसमें जेंडर का कुछ रोल नहीं है। अगर आप अवेकन ट्विन हैं तो ऑफ कोर्स आप क्लियरिंग कर रहे हैं अपनी। अब आपके ट्विन की बारी है स्टेप अप होने के लिए, उनको आगे आना पड़ेगा। मेरी एक सोलमेट से आज बात हो रही थी, उनसे डिस्कशन चली काफ़ी, तो अब उनको उस कंडीशनिंग से बाहर निकालना होगा। यूनिवर्स को कंडीशनिंग में है, सोसाइटल कंडीशंस काफ़ी तरह की आपके ट्विन के अंदर ऑफ कोर्स होगी। आप भी जैसे जैसे इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क करने का मतलब ये है कि इनर वर्क जैसे जैसे आप अपना करते हैं, तो आप अपने ट्विन के और अपने कर्मा को रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्मा था जो आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों को सेपरेशन में रखा हुआ है, वो कर्मा है। और मेन मकसद इस जर्नी का यही है कि आप अपने साथ इनर यूनियन में आ जाओ। ज़रूरी नहीं है आप अपने साथ इनर यूनियन में आओ, आप अपने साथ इनर यूनियन में आए बिना भी अपने ट्विन के साथ इनर यूनियन में आ सकते हैं। बट इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका ट्रस्ट होगा वो यहाँ पे डेवलप होगा कि आप अपने ट्विन जो आपको इस टाइम ट्रिगर कर रहा है, या आप इतना टाइम उसके लिए वेट कर रहे हो, वो वापस नहीं आ रहा, वो कितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट है, फेथ है कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कितना ट्रस्ट है आपको, आपको डिवाइन पे कितना ट्रस्ट है। तो मैं अभी से आप लोगों को बता रही हूँ कि प्रिपेयर कर लो आने वाले समय के लिए सब अपने आप को, क्योंकि आपकी बॉडी भी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए उसके लिए, आपका माइंड भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और आपकी कॉन्शियसनेस भी उस लेवल तक प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, राइट? क्योंकि कॉन्शियसनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज किसी ने ट्विन फ्लेम चैनल पर कमेंट किया है, इस चैनल पर कमेंट किया कि ये सब बकवास है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी बकवास है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। देखो, बहुत लोगों को लगता है ये बकवास है, क्यों? क्योंकि 3 रीज़न हो सकते हैं उसके। फर्स्ट, वो इंसान ने वैसा बिहेव नहीं किया जैसा वो चाहते थे, ये ट्रुथ है। सेकंड रीज़न ये हो सकता है उनको ये बकवास लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने चीज़ें वैसे नहीं करी जैसे वो चाहते थे। थर्ड उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप में हो, बाद में उन्होंने अपना इनर वर्क किया और उनको लगा, इनफैक्ट उस इंसान फेक आईडी से ही ऑफकोर्स वो मैसेज करते हैं लोग जो करते हैं, रियल आईडी से लोगों को पता नहीं, सच सामने आने में डर लगता है या क्या है, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। बट ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं। देखो, इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि आपके माइंड में डाउट आया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो कि नहीं हो। मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ आपको, आपको इजीली समझ आ जाएगा। मेरा अपना एग्जांपल देने का आप लोगों से मकसद यही होता है कि आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पर डाउट हुआ, फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मेरी ट्विन जो है वो डिफरेंट कंट्री में रहती हैं। मेरे को डाउट हुआ, मुझे उससे रिलेटेड चीज़ें दिखना शुरू होगी, मुझे किसी ने उसके बारे में पूछा, क्योंकि हम दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती हैं, मुझे उनकी सिटी, इनफैक्ट मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरा कज़न उस सिटी में शिफ्ट हो चुका है, तो मेरे कज़न ने सेम सिटी सेम जगह का नाम लिया। तो ऐसे यूनिवर्स आपको सिंक्रोनिसिटी तब तक भेजता रहेगा, या टेलीपैथिकली वो सॉन्ग भेजेगी मुझे, राइट? उनका लोअर जो डार्कनेस है और लाइट है बहुत डिफरेंट होगी, उनकी हायर सेल्फ बिल्कुल ऑपोजिट बोलेगी उनके लोअर सेल्फ से। लोअर सेल्फ में वो आपके साथ गुस्सा कर सकते हैं, आपके साथ चीज़ें कर सकते हैं, हायर सेल्फ में वो आपको ब्यूटीफुल मैसेजेस भेजेंगे, ब्यूटीफुल चीज़ें भेजेंगे, राइट? तो ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं,
इसको इस तरह भी आप देख सकते हो। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपने इनर वर्क करा, आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, आप इनर वर्क पे इनर वर्क कर रहे हो, आप हर एक चीज़ कर रहे हो, पर क्रेविंग उस इंसान के लिए वही है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं, आप उस इंसान ऑब्जेशन में मत, ऑब्जेशन एक डिफरेंट चीज़ है और क्रेविंग किसी इंसान के लिए डिफरेंट चीज़ है। आप मिस कर रहे हो उस इंसान को, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तो जहाँ भी सोल कनेक्शन होता है वहाँ पे आप उस इंसान को मिस करते हो। ऑब्जेशन बहुत ही डिफरेंट होता है सोल कनेक्शन से। सोल कनेक्शन में आपको फिजिकल पे कम फोकस करना है उस इंसान के, आपको उसकी हायर सेल्फ पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि वो भी आपको पुल करके आपकी हाईएस्ट फॉर्म तक आपको ले जा सकें, राइट? और ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने इनर वर्क करा, आपने सब करा, आपको किसी ने बोला कि आप इस जर्नी में नहीं हो, पहली बात कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल वो अच्छे लेवल पे हों, आई डोंट थिंक अच्छे लेवल पे भी कोई बता सकता है। तो आपने इनर वर्क करा, आपने फॉरगिवनेस करी, आपने सारे मेडिटेशन करे, आपने सब करा, बट उस इंसान की एनर्जी वही है, उनकी एनर्जी वही है, उनकी हायर सेल्फ वही है, कैसे जा सकती है मुझे बताओ? नहीं जा सकती। तो वो जब आप सुबह उठते हो उनकी एनर्जी वहीं होती है। एक टाइम था जब मुझे ये लगता था, ओ माय गॉड, अभी फिर, अभी फिर, अभी फिर, नहीं 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 तो वो जब आप पुश करना शुरू करते हो तो प्रॉब्लम तब क्रिएट होना शुरू होती है। उस एनर्जी को पुश नहीं करना है। खैर, ये अलग सा टॉपिक है, आज इस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जिन लोगों को ये लगता है कि ट्विन फ्लेम एक फेक और बकवास चीज़ है, वो इसलिए ऐसा भी बोलते हैं क्योंकि उनका यूनियन नहीं हुआ, वो इंसान उनके सामने नहीं है। आप टेलीपैथिकली कभी भी अपने ट्विन के से बात कर सकते हो, उनकी हायर सेल्फ से बात कर सकते हो, उस कनेक्शन को फील कर सकते हो, राइट? उस इंसान के साथ आप कभी भी एनर्जेटिकली हग कर सकते हो। तो ये चीज़ वही लोग समझेंगे जो इस जर्नी में हैं। डाउट सबको आता है इस जर्नी में, ऐसा नहीं है, डाउट काफ़ी समय तक आपको आ सकता है इस जर्नी से रिलेटेड, बट आपको इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि आपको ऑब्जेस्ट नहीं होना। ऑब्जेशन बहुत इजीली आ जाती है। ऑब्जेशन टैरो कार्ड रीडिंग की ऑब्जेशन आ गई, किसी और चीज़ की ऑब्जेशन आ गई, वो ऑब्जेशन आपको अपने अंदर नहीं रखनी है। और ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड है, तो आपको यूनिवर्स पे फेथ और ट्रस्ट होना ही होना चाहिए। आप डाउट मत करिए इस जर्नी पे। डाउट से क्या होगा, आपको आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशान करेंगी। ये कभी कभार कई लोग मुझे बोलते हैं, मुझे पूरा कंफर्म्ड है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, मुझे पूरी श्योरिटी है 101%। मैं उनको कम इस जर्नी में मानती हूँ, क्योंकि जो रियल होते हैं उनको डाउट होता है कहीं ना कहीं कि हम इस जर्नी पे हैं। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना है। और जो मुझे मेरी हायर सेल्फ ने एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करने को बोली है, वो ये है कि आपको डुअलिटी से वननेस में आना है। किसी ने कुछ बोला, फॉर एग्जाम्पल आज मेरे चैनल पे किसी ने बोला, तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुझे ट्रिगर करें, बट वो बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे थे, इसलिए मुझे वो डिलीट करना पड़ा, राइट? डिफरेंस है दोनों में। तो अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, आप ईगो में बोल रहे हैं अभी इसको जवाब देता हूँ, अभी इसको जवाब दूंगी मैं, आपको वो नहीं करना है। वो डुअलिटी में एग्जिस्ट करता है, वो सेपरेशन में एग्जिस्ट करता है। जब आपको ये पता लग जाएगा हर जगह आप ही हो, आज कोई अपने किसी सर्वेंट को डांट रहा था, मैं देख रही थी दूर से खड़े होके, तो बाद में प्यार से मैंने उनसे बात करी इस बारे में, बट वो भी डुअलिटी में एग्जिस्ट करता है, वननेस में एग्जिस्ट नहीं करती ये सब चीज़ें। आपको डुअलिटी से वननेस में आना है। आप और आपके ट्विन एक हैं, बट उसके साथ साथ बाकी दुनिया और आप भी एक हैं। ये संसार सारा उस परमात्मा ने बनाया है, उस डिवाइन ने बनाया है, तो आप और आपके ट्विन ही नहीं, सारा संसार कहीं ना कहीं उस परमात्मा का है। तो वन हुआ ना,
डुअलिटी कहाँ हुई? डुअलिटी एग्जिस्ट करती है हमारी ईगो में, वननेस में ईगो नहीं एग्जिस्ट करती। बहुत लोग बोलते थे सेपरेशन एक एल्यूजन है, सेपरेशन एक एल्यूजन है, बट मेरे को वो चीज़ फील नहीं होती थी। बट फर्स्ट टाइम आज मैं इस चीज़ पे ट्रस्ट करना शुरू किया, फर्स्ट टाइम आज मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ वननेस का। पहले भी हुआ है बहुत बार, बट फर्स्ट टाइम आज काफ़ी टाइम बाद वो चीज़ वननेस वाली फील हुई। तो आपको बाउंड्रीज दूसरों के साथ रखनी है, बट आपको वननेस वाली फीलिंग भी अंदर रखनी है। आपको नफ़रत नफ़रत एंगर नॉन फॉरगिवनेस नेचर किसी के लिए अपने दिल में नहीं रखनी है, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बाधा बन सकती है आपकी इस जर्नी में, राइट? और डाउट सबको होता है। आपको क्यों लगता है आपको डाउट हुआ है? सबको डाउट होता है, ऐसा नहीं है। आप जितने जब तक हम इस प्रोसेस में हैं तब तक डाउट होगा, बट यूनिवर्स जो कर रहा है, यूनिवर्स का उन सबके करने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप उन पर ट्रस्ट कर पाओ, आप उन पर फेथ रख पाओ कि आप सही बोट में बैठे हो, आप गलत बोट में नहीं बैठे हो। आंधी आएगी, तूफान आएगा, सब आएगा, आपको लगेगा अभी गिरे, अभी गिरे, अभी गिरे, पर आपको इस बोट में बैठना है कि इसको डिवाइन चला रहे हैं और वो हमें सही जगह पहुंचा देंगे। उनका कोई ना कोई पर्पस है, उनका कोई ना कोई मकसद है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। धन्यवाद।